हेलो एवरीवन, आई उत्कर्ष सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर एंड KVR कंट्रोलर. दिस बोथ आर द एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट. ऑन प्रीवियस वीडियो यू हैव ऑब्जर्व और स्टडीड अबाउट कमर्शियल लॉसेस, कॉजेज एंड मेजर. And in learning outcomes, after watching this video, you will be able to learn the maximum demand controller and KVAR, kilovolt ampere reactive controller. Now, what is maximum demand? Maximum demand, as you have seen that in many companies like mining, automobile, textile, paper industries, they have already decided their load to the utility company. Means जहाँ से आपको generation electricity supply हो रही है वहाँ पर already they given that we हमारे यहाँ पर इतनी ही amount of load होगा और this amount of electricity we need. किलोवाट वो बता देते हैं कि इतने amount of load है तो इतनी electricity लगने वाली है. But इन सच कंपनीज जैसे माइनिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, पेपर, इनका जो लोड है जो वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसके वजह से दे हैव टू गिव एडिशनल चार्जेस ओवर एंड अबव द नॉर्मल चार्जेस जो उनका ऑलरेडी यूटिलिटी कंपनी के साथ ऑलरेडी डिसाइड रहता है कि हमें इतने ही लोड पे चार्ज देना है. बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लोड फ्लक्चुएशन दे हैव टू पे अ एडिशनल चार्ज ऑफ दैट. ठीक है, तो उसी को कहते हैं मैक्सिमम डिमांड. क्योंकि एक वैल्यू पर सबसे ज़्यादा एक ग्राफ जनरेट होती है जहाँ पे दिखता है कि ऑन दिस डे, ऑन दिस आवर, इतने इतने मिनट के बीच में ये सबसे मैक्सिमम डिमांड था. ठीक है, ये जो मैक्सिमम डिमांड है ये ओनली 130 मिनट्स, मतलब 30 मिनट्स के अंदर में ही कैलकुलेट होती है मैक्सिमम डिमांड. और उसी से पता चलता है कि दैट यू हैव यूज द मोस्ट हाईएस्ट पावर ऑन दैट मंथ और ऑन दैट ईयर. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, और इसी की वजह से कंपनीज को पेनालिटी पे करनी पड़ती है कंपनीज़ को यूटिलिटी में. यूटिलिटी कौन होती है? यूटिलिटी कंपनीज मतलब जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जनरेटिंग स्टेशन, उनको आपको, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है. बिकॉज आपने जितना यहाँ पे लिखा है उससे ज़्यादा आप अमाउंट लोड आपका है और उससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए. ठीक है, सो द मैक्सिमम पावर, अब यही मैक्सिमम पावर जब फैक्ट्री कंज्यूम करती है एक पीरियड ऑफ टाइम में जो कि 8 से 30 मिनट के नॉर्मली बीच में होता है, उसी को कहते हैं हम मैक्सिमम डिमांड. पूरे लोड में सबसे ज़्यादा डिमांड जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है उसी को कहते हैं मैक्सिमम डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव कंज्यूम्ड इन योर कंपनी. ठीक है, और बहुत से कंट्रीज़ में जो हमारे यहाँ 30 मिनट्स का रहता है वो उनके यहाँ 50 मिनट्स का रहता है, 15 मिनट्स का. नाउ व्हाट इज़ मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर? मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर क्या है? ये एक एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि किलोवाट डिमांड को कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? ये इट विल सेंस कि जहाँ पे लोड ज़्यादा है, ठीक है, वो वहाँ पे लोड देगा, लेकिन जहाँ पे लोड की ज़रूरत नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये उस जगह को ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ, सो दैट इट कैन मैनेज द बैलेंस ऑफ योर डिमांड. ठीक है, अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कैन बी सेव्ड बाय कंट्रोल. सी, इसका यूज़ करने से आप पावर का यूसेज को कंट्रोल कर सकते हो. जो भी नॉन एसेंशियल लोड्स हैं उनको पावर ऑफ करके, उनका पावर ऑफ करके आप एक मैनेज और एक बैलेंस डिमांड जो आपके कंपनी में आ रही है उसको आप मैनेज कर सकते हो. ठीक है, तो यही काम होता है मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का. अब ये कैसे काम करता है? देखो, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर में एक सेट, एक प्रीसेट वैल्यू ऑलरेडी इंस्टॉल की जाती है. ठीक है, जब हम उसको पावर लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं
तब हम उसमें एक प्रीसेट वैल्यू इंस्टॉल करते हैं मैक्सिमम डिमांड की। और जब आपका डिमांड, आपने वहाँ पर एक वैल्यू सेट की, ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी का जो वैल्यू है वो उससे ज़्यादा चला गया लोड का, तो वहाँ पे क्या होगा, अलार्म बजेगा, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे यू हैव एक्सीड योर वैल्यू नाउ, देन अलार्म विल बी साउंडेड, साउंड होगा अलार्म का, अलार्म एक सिग्नल भेजेगा दैट यहाँ पे लोड ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सो यू हैव टू टेक अ एक्शन। एक्शन लेने के लिए वो अलार्म बजेगा, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया, नेसेसरी एक्शन अगर आपने नहीं लिया, तब जो वहाँ का कंट्रोलिंग स्विच है वो क्या करेगा, जो भी लेस इम्पॉर्टेंट लोड है, लेस इम्पॉर्टेंट लोड, उनको सिक्वेंस में ऑफ कर देगा, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोड है वो उसको ऑफ रखेगा, और बाकी लेस इम्पॉर्टेंट लोड को वो सिक्वेंस में ऑफ कर देगा, ताकि आपका जो लोड है वो मैनेज हो सके, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि कंप्रेसर, एयर कंडीशनर, पंप, फैन, एक्सट्रैक्टर, पैकेजिंग मशीनरी, ऐसी जगहों पे ये करना पड़ता है, क्योंकि लोड इतना फ्लक्चुएट होता है, दैट इज़ वाई मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इज़ यूज्ड। नाउ KVR, किलो वोल्ट एम्पियर कंट्रोलर, ये भी एक तरह का कंट्रोलर है, ये भी एक तरह का एनर्जी सेविंग डिवाइस है, जो कि इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रीज, होम और ऑफिसेस में इंस्टॉल किया जाता है। KVR का काम यही होता है कि वो जितनी भी हीट एनर्जी जनरेशन होती है, अब देखो हाँ आप लोगों को भी पता है कि जनरेटिंग स्टेशन से दो टाइप के पावर आते हैं, एक एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या है, यूज़फुल पावर है, रिएक्टिव पावर कोई यूज़फुल नहीं है, ठीक है, उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। लेकिन वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारी लाइन्स में स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज इक्विपमेंट्स लगे हैं, इंडक्टर, कैपेसिटर, वो वहाँ पे स्टोर होती है, और वहीं पे उसके हीट डिसिपेशन के वजह से या हीट के वजह से लॉसेस होते हैं हमको, ठीक है। तो KVR क्या करता है, उसी हीट जनरेशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और हीट अगर रिड्यूस हुआ तो आपका जो करंट है वो भी रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होंगी, और जो तुम्हारा पावर फैक्टर है एक इंडिविजुअल लोड पे वो भी कम होगा। KVR को कंट्रोल जब हम KVR कंट्रोलर जब हम आप यूज़ करते हैं कहीं पे भी, इट कैन बी इन योर होम और इन अ फ्लैट सिस्टम और इन इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल प्लेस लाइक कॉलेजेस, स्कूल्स, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, तो यू कैन यूज़ दिस KVR कंट्रोलर इन दैट प्लेस। सो इट रिड्यूसेस द बिल विच इज़ अप टू 6-25%, लोअर ओवरहेड फ्रॉम इंक्रीज्ड मोटर्स, आपका जो ओवरहेड लाइन जाती है इन मोटर्स की, वो भी ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। मशीनरी जो है उनका जो टाइम होता है, मशीनरी जो स्टार्टिंग करंट्स लेती है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इफेक्ट से नहीं होती है, क्योंकि देखो आपका अगर पावर फैक्टर कम हो रहा है तो इससे सबसे ज़्यादा अच्छा और क्या है, क्योंकि पावर फैक्टर जहाँ पे भी कम होता है तो उससे फिर पेनल्टी, यू हैव टू पे द पेनल्टी। सो दिस इज़ वेरी गुड एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग योर पावर फैक्टर। How does KVR controller work? See, KVR जो KVR technology है, यानी KVR K controller, KC is KVR controller, इसमें ये reclaim, store and supply power to inductive motor load, मतलब कि यहाँ पर ये inductive motor और load को क्या करता है, supply देता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि induction load दो kind of power consume करते हैं, पहला reactive power और एक होता है वर्किंग पावर, दैट इज़ एक्टिव पावर, ठीक है। वर्किंग पावर क्या परफॉर्म करता है, जो हमारे मोटर वर्क करता है वो हमारे एक्टिव पावर की वजह से होता है, ठीक है। तो ओनली फंक्शन ऑफ द रिएक्टिव पावर क्या है, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो हमारा इंडक्शन वाइंडिंग है वहाँ पे वो डेवलप करने में सिर्फ हेल्प करती है, टू ग्राउंड इंडक्शन वाइंडिंग, ठीक है। सो जो हमारा किलो वोल्ट एम्पियर कंट्रोलर है वो पावर फैक्टर ऑप्टिमाइजिंग टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, मतलब यू वो क्या करता है, जो भी आपका
इंडक्टिव लोड है उसको वो उसकी जो पावर फैक्टर है उसको यूनिटी करने में हेल्प करता है। और वो कैसे हेल्प होगा, ऑलरेडी यू नो अबाउट द कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर बैंक हम लगाते हैं तब जाके हमारे ये KVR हमारा रिड्यूस होता है, ठीक है। सो जो हमारा APFC कंट्रोलर मैंने आपको बताया था पहले, ऑटोमेटिक पावर फ्लो कंट्रोलर, उसमें ये मीटर भी लगता है, ठीक है। उसका एक पैनल होता है, वहाँ पे ये KVR कंट्रोलर इंस्टॉल किया जाता है ताकि दैट विल शो दैट हाउ मच KVR एंड हाउ मच पावर फैक्टर इज़ मैनेज, ठीक है। रिएक्टिव पावर सिर्फ जो हमारे पावर है उसको रिसाइकल करके रिसाइकल होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि वो स्टोर करते हैं सारे कंपोनेंट्स उसके पावर लाइन में, तो उसके वजह से हमारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव पावर के वजह से लॉसेस ज़्यादा होती है और लॉसेस के वजह से ही फिर आपके जो आपको जो कंपोनेंट्स है आपके वो प्रॉपर वर्क नहीं करते। सो इफ़ यू इंस्टॉल अ KVR कंट्रोलर देन योर पावर फैक्टर विल बी मैनेज, योर रिएक्टिव पावर विल रिड्यूस द हीटिंग जनरेशन एंड इट विल इफेक्टली गिव अ गुड रिजल्ट इन कंपनीज। देखो KVR कंट्रोलर जो है स्टोर द रिएक्टिव पावर नीडेड टू क्रिएट EMF विद इन द इंडक्टिव लोड। एज मोटर ऑपरेट रिएक्टिव पावर इज पुल टू एंड फ्रॉम KVR बाय द कंट्रोलर। सी यहाँ पर लिखा है ये है कि जो रिएक्टिव पावर है वो इंडक्शन मोटर की EMF को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है, सिर्फ EMF टू ग्राउंड द इंडक्टिव वाइंडिंग। और जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है ये KVR कंट्रोलर उसको यू नो लेके पुल करके उसको मोटर से निकाल के यू नो रिवर्ट बैक कर देता है टू द जनरेटिंग स्टेशन। सो दिस इज द वर्क ऑफ रिएक्टिव पावर इज दिस ओनली, बट ये इतना में ही ये लॉसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ वाई KVR कंट्रोलर इज वेरी इम्पॉर्टेंट एज कम इन कंपनीज फॉर द पावर फैक्टर। सो समरी, यू हैव लर्न अबाउट मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर एंड KVR कंट्रोलर, PO मैपिंग, PO 1, 2, 3, 10 एंड PSO 1। नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लाइटिंग सिस्टम। थैंक यू।